गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? होप एवरीबडी इज फाइन। चलिए बच्चों, अपने वर्क की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे पहुंच जाएं क्लास में। आपका सेशन बच्चे शुरू हो चुका है एंड वी आर गोइंग टू हैव वेरी नाइस सेशन टुडे। अपने सेशन के बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। Without getting late, let's start this. ठीक है जी। All right, सीमा, स्तुति, अंजलि, रीना, अंजू, सबिया, very good morning बच्चों। Good evening, वीना, नीलम, वासु, राखी, good evening बच्चों, अंजलि। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। टुडे सीरीज 19 है हमारे PYQ की। क्वेश्चन देखते हैं। The great if we see here. There is a question, the great Indian novel is written by, ये बच्चों किसने लिखा है? विक्रम सेठ, शशि थरूर, वी एस नायपॉल या बच्चों सलमान रश्दी? आंसर कीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। बच्चों बफरिंग की समस्या तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है सब कुछ बफरिंग में, लेकिन वॉइस को मैंने ठीक कर लिया है बच्चों, वॉइस को हमने ठीक कर दिया है। इज इट ऑल राइट नाउ? ए आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट बात है। आंसर आपका ए जाएगा, बी जाएगा, शशि थरूर। तो दिस पर्टिकुलर वर्क द ग्रेट इंडियन नॉवेल हैज बीन रिटन बाय शशि थरूर। ठीक है बच्चों, बी आंसर बनेगा। एग्जैक्टली अनिरुद्ध जी, नीलम वन का बच्चों ए बनेगा। ठीक है जी, अब वॉइस क्लियर है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फाइनल सॉल्यूशंस इज अ फेमस प्ले। ये बच्चों एक फेमस प्ले है द फाइनल सॉल्यूशन, किसका है? महेश दलतानी का, आसिफ करीम फॉय या फिर गुरुचरण दास, नसीम इज़ैकियल? बच्चों क्या आंसर करेंगे? ठीक है रीना, ऑल राइट। नहीं, मार्क्स सबके ही होंगे वो, नीतू मार्क्स सबके इंक्रीज होंगे, जो भी डालेगा नहीं, जो कॉमन बनेगी वही सब पे अप्लाई होगी। ए आंसर महेश दत्तलानी बिल्कुल सही है बच्चों, ये आंसर वन बनेगा आपका। तो फाइनल सॉल्यूशन वाज रिटन बाय महेश दत्तलानी। डन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू का ए है, बिल्कुल सही है नीलम। चित्रा बनर्जी दिवाकरनीज लेटेस्ट बुक पब्लिश इन 2019, बच्चों क्या नाम था? प्लेस ऑफ इल्यूजन्स, फॉरेस्ट ऑफ एंटेंटमेंट्स, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस या बच्चों बिफोर वी विजिट द गॉडेस? क्या आंसर बनाएंगे आप लोग? हाँ जी बच्चों बताइए जी। हिना गुड इवनिंग। तो क्या आंसर इसका? सी आंसर दिया है सीमा ने। ऑल राइट, द मिस्ट्रेस स्पाइसेस बिफोर विजिट द फॉरेस्ट ऑफ एंटेंटमेंट प्लेस ऑफ इल्यूजन्स। बताइए बच्चों व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेसिकली ऐसे राइटर्स को आपने देखना है जो इंडियन डायस्पोरा के हैं। हम इनमें ज्यादातर बच्चों किसको देखेंगे? इंडियन डायस्पोरा वालों को। तो आंसर अगर हम इसका देखें बच्चों तो हमारा क्या बनेगा? ये बी आंसर होगा। द फॉरेस्ट ऑफ एंटेंटमेंट्स वाज रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरनी, राइट बच्चों? तो आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ पे? बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर? देखो इंडियन डायस्पोरा का मीन्स है कि वो इंडियन ही होना चाहिए। शशि देशपांडे, सुजाता भट्ट, मीना अलेक्जेंडर या बच्चों झुंपा लहरी? अच्छा तुक्का, कोई बात नहीं है नीलम, इट्स गुड। तुक्का भी हमारा अच्छा होना चाहिए, और तुक्का भी अच्छा बच्चों जब तब होता है हमारा जब हम बेहतर वर्क करते हैं। यस एवरीवन, तो बच्चों अगर हम इसमें देखें शशि देशपांडे इज देयर, आंसर आपका ए बनेगा, है ना? बाकी इसमें देखें सुजाता भट्ट, मीना अलेक्जेंडर, झुंपा लहरी, ये सारे के सारे इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन डायस्पोरा के हैं, जबकि शशि देशपांडे
प्रवासी है एक तरह से अगर हम देखें तो, राइट बच्चों, फोर का ए आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर, हु इज द राइटर हु क्रिएटेड द फिक्शनल लोकल मालगुडी, बताओ बच्चों मालगुडी किसने बनाया था, बताओ मुझे वेसिक्स किसने बनाया था, मुझे बताओ याको पतनावा किसने बनाया था। एग्जैक्टली डी, आर के नारायण। अच्छा, आर के नारायण ने ऐसे ही फिक्शनल बनाया मालगुडी, वेसिक्स किसने बनाया बच्चों, याको पतनावा किसने बनाया, हां जी वेसिक्स हार्डी ने, बहुत अच्छे ज्योति, ये हार्डी ने बनाया। और बच्चों बिल्कुल रीना सही है, और ये किसने, फोकनर, बिल्कुल सही है रीना, इट इज फोकनर। तो अमेरिकन राइटर, ब्रिटिश राइटर और बच्चों देखिए तो इंडियन राइटर, एक ही तरह की तीनों चीजें इन्होंने बनाई हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द इबिस ट्रायलॉजी बाय अमिताभ घोष ने कब दी थी, क्या कहलाती है, तो बच्चों ये कहलाती है हमारी, बताओ, फ्लड ऑफ फायर, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक या सर्कल ऑफ रीजन। तो आंसर बच्चों हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लड ऑफ फायर। गेटिंग एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, तो इट वुड बी फ्लड ऑफ फायर। तो ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है आइबिस ट्रायोलॉजी की, दैट वाज रिटन बाय अमिताभ घोष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, देखो क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज अ नॉवल रिटन बाय, ये किसने लिखा है, सलमान रश्दी, झुंपा लहरी, अरुंधति राय या बच्चों विक्रम सेठ, विक्रम सेठ बताइए। तो दिस वॉज रिटन बाय, राखी ने ए आंसर बताया है, ओके बाकी बच्चे बताएं अपने अकॉर्डिंग आंसर करें। सेवन का ए बच्चों, ये अरुंधति राय है, अरुंधति राय है रिटन द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, हाँ सी आंसर है, बिल्कुल सही है रीना, इट इज सी। अगला क्वेश्चन, विच राइटर ऑफ इंडियन ओरिजिन डाइड ऑन ऑगस्ट 11, 2018 में, तो बच्चों ये हमारे वीएस नायपोल थे, वीएस नायपोल इंडियन ओरिजिन के, डाइड ऑन 11th August 2018। बच्चों हाँ जी सी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, विक्रम सेठ का सुटेबल बॉय बिल्कुल है बच्चों, करेक्ट है, सलमान रश्दी का मिडनाइट चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट है, अरुंधति राय का स्मॉल थिंग्स गॉड ऑफ स्मॉल, लेकिन अमिताभ घोष का बच्चों व्हाइट टाइगर नहीं है, आप खुद बताएंगे व्हाइट टाइगर किसका है। जी किरण, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हां जी डी सही है बच्चों, लेकिन इसका आंसर अरविंद अडिगा, ज्योति बिल्कुल सही है, अरविंद अडिगा, राइट बच्चों, तो इट वॉज अरविंद अडिगा। डन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मैन बुकर प्राइज विनर, इसमें से किसको मैन बुकर प्राइज नहीं मिला है, वीएस नायपोल, किरण देसाई, अनिता देसाई, अरविंद अडिगा। बलराम हलवाई बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली अरविंद अडिगा है उसमें, बलराम हलवाई मेन कैरेक्टर है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों ये आंसर हमारा क्या जाएगा, हां जी अनीता देसाई की लड़की जो है किरण देसाई, इसको मिला है लेकिन अनीता देसाई को नहीं मिला है, वीएस नायपोल, किरण देसाई और अरविंद को, तीनों को मिल गया है। डन बच्चों, लेकिन इसमें अगर एक ही रहता है तो वो कौन है हमारा, अनीता देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच वन इज ओड वन आउट, निसीम इजैकल, सरोजिनी नायडू, किरण देसाई, डॉम मॉरिस। हां जी बच्चों क्या आंसर करेंगे आप इसका, क्वेश्चन नंबर 11, जी बच्चों याद रखेंगे बच्चों, इसमें निसीम इजैकल, सरोजनी, डॉम मॉरिस तीनों ही इंडियन हैं, जबकि किरण देसाई इंडियन में पैदा हुई, लेकिन कौन है, अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएटेस, वो इंडियन, इंडिया बेस्ड अमेरिकन है, राइट बच्चों। तो आंसर आपका क्या बनेगा यहां पे, किरण देसाई। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, हु हैज रिटन द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है बच्चों, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, हु हैड रिटन दिस, आर के नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद या बच्चों अमिताभ घोष। हां जी, एवरीबडी नीड टू आंसर।
तो अगर बच्चों हम इसमें देखें तो हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कमेंट आ रहे हैं राखी आपके भी आ रहे हैं बेटा, सी बिल्कुल सही है बच्चों, मुल्क राज आनंद हैड रिटन इट एज द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, एग्जैक्टली बहुत अच्छे, वीना किरण रेखा रीना सीमा बंटी ज्योति वेरी गुड बच्चों, नीलम बहुत अच्छे, अंजू द स्कैप्टर्ड फ्लूट, द स्कैप्टर्ड फ्लूट बच्चों किसकी कलेक्टेड पोएम में, हूज कलेक्टेड पोएम अपीयर्ड अंडर द टाइटल ऑफ स्कैप्टर्ड, किसकी कलेक्टेड पोएम का टाइटल था, तारुदत्त श्री अरबिंदो घोष रोजिन नायडू या बच्चों ए के रामानुजन, द स्कैप्टर्ड फ्लूट कोकिला ऑफ इंडिया हु इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है बच्चों कोकिला ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सी एग्जैक्टली इट वॉज सरोजिनी नायडू, डन बच्चों बहुत अच्छे अनुरोध सभिया वेरी गुड बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शशि देशपांडे वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर अ नॉवेल, बताओ कौन सा है, मैटर रूट्स लॉन्ग साइलेंस या बच्चों बेंडिंग विन, क्या आंसर बनाएंगे आप इसमें बताइए सब बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, तो बच्चों इसका आंसर है दैट लॉन्ग साइलेंस, बहुत अच्छे जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, सी आंसर बनेगा, ठीक है जी अनुरोध मोहित बहुत अच्छे जी बच्चों, तो आंसर इसका सी बनेगा, ज्योति सही है बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बच्चों द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस किस पर्टिकुलर ईयर में अपियर हुआ था बच्चों फर्स्ट पब्लिश, बताओ किसमें 97 98 2000 या 2001, तो उस समय हम भी छोटे से थे बच्चे थे बिल्कुल, यस बच्चों इट इज 1997 1997 में बिल्कुल सही है एग्जैक्टली ज्योति, तो 1997 एंग्री रिवर इज रिटन बाय बच्चों किसने लिखा है एंग्री रिवर, हेमिंगवे कैरनेट रस्किन बॉन्ड या किसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खूब पूछा जाता है, हां जी बिल्कुल सही है सी है ही ना सी रस्किन बॉन्ड हैड रिटन दिस एंग्री रिवर है ना बच्चों, इट वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेलुथा वेलुथा एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर किसमें आता है बच्चों, अगर मैं वेलुथा बताऊं तो आता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये बच्चों किसका लिखा हुआ है खुद बताइए आप लोग, सी अरुंधति रॉय बिल्कुल सही है बच्चों करेक्ट आंसर दिया है, नीलम सीमा किरण ज्योति बंटी वेरी गुड बच्चों, जी रेखा बिल्कुल सही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अनुरोध बिल्कुल सही है जी बंटी वीना, Which one, which among the following novels is not a work by Shashi Deshpande का कौन सा नहीं है इसमें से खुद बताओ, है ना, It is Nectar in Sieve, Nectar in Sieve जहां तक मुझे याद है बच्चों मार्किंडे का है, मार्किंड It was written by Markinda, right? Nectar in Sieve, तो डी आंसर बनेगा, बाकी रूट्स एंड शैडोज द लॉन्ग साइंस एडीज ये सब किसका लिखा हुआ है हमारे शशि देशपांडे का बच्चों, कमला मार्केंडे एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है ज्योति, इट वॉज रिटन बाई कमला मार्केंडे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वर्क ऑफ अमिताभ घोष, हंग्री टाइड सर्कल रीजन या बच्चों द लास्ट मैन इन टावर इज नॉट रिटन बाई अमिताभ घोष, ये अमिताभ घोष का बच्चों नहीं है, ठीक है जी बाकी सारे अमिताभ घोष के हैं, सिर्फ कौन सा नहीं है लास्ट मैन इन द इन टावर, बिल्कुल सही बच्चों, चालू है इनटू इंग्लिश इज साइलेंस द कोर्ट इज इन द सेशन, ये किसके सेशन में है, प्रिया अडारकर बदलर सिरकर मोहन राकेश या बच्चों विजय तेंदुलकर, अब आप यहां पे देख सकते हैं कैसे कैसे नेम है, ये बच्चों डीएसएसबी में ज्यादा आते हैं आपके क्वेश्चन अपीयर्स इन डीएसएसबी, समझ रहे हैं आप दिल्ली टीजीटी पीडीटी में, तो इसका आंसर है प्रिया अडारकर, कभी आपने सुना भी नहीं होगा, हमने सुना है बच्चों अरुंधति रॉय, हमने सुना है आर के नारायण, जबकि यहाँ पे आंसर बन रहा है प्रिया अडारकर, है ना, बदर सिरकर मोहन राकेश विजय तेंदुलकर, चलो इनको तो फिर भी जानते हैं आप लोग बट इनको कम जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वो चित्रा द फेमस प्ले आर एन टैगोर पब्लिश्ड, तो चित्रा बच्चों कब आया था, रविंद्रनाथ टैगोर का है इंपॉर्टेंट है, तो सब बच्चे बताएंगे 2018 में आए थे, क्या कह रहे हैं आप सी 2018 में कौन से विच वन, हाँ शायद ये 2018 का है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ सकते हैं सभी, व्हाई नॉट,
सबिया बिकॉज दे हैवंट गिवन द नेम ऑफ द राइटर ओवर देयर, व्हाई नॉट दीज कैन कम देयर। तो बच्चों आंसर है आपका सी 1913। अगला क्वेश्चन, महेश दत्तानी प्ले डांस लाइक अ मैन फर्स्ट परफॉर्म, ये बच्चों कब परफॉर्म होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 महेश दत्तानी का क्वेश्चन है तो सी बनेगा 1989, इट वॉज इन 1989। सब बच्चे पेशेंस रखें, अभी हम अमेरिकन राइटर को एक को करेंगे बड़े अच्छे से, एक अमेरिकन राइटर को हम आज फिर से देखेंगे बच्चों। तो आंसर आपका बन गया सी। अगला क्वेश्चन, हु हैज क्रिएटेड द फेमस कैरेक्टर रोजी, तो रोजी किसने बच्चों क्रिएट किया है बताइए। रोजी हैज बीन क्रिएटेड बाय हूम एंड इन विच पर्टिकुलर वर्क, किस वर्क में बच्चों इसको किया गया है। तो इट वॉज इन आर के नारायण, इट वॉज इन आर के नारायण, बिल्कुल सही बच्चों, बहुत अच्छे। गाइड आर के नारायण का जो द गाइड है जिसमें मूवी भी बनी है ना, उसी में ये रोजी है। अगला देखेंगे बच्चों, इन विच अरविंद रेडेकर द व्हाइट टाइगर अवॉर्डेड द मैन बुकर प्राइज, कब मिला था बच्चों, किस ईयर में मिला था बताइए, किस ईयर में उनको मिला था व्हाइट टाइगर के लिए प्राइज। तो इट वॉज 2008, बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने, इट इज 2008। इंडियन राइटर से क्वेश्चन जाते, हाँ किरण ये बात बिल्कुल सही है, इन 2018, बिल्कुल सही है, 2008 बनेगा बच्चों। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट हैज रिटन अबाउट द ओपियम वॉर, ओपियम वॉर के बारे में बच्चों किसने लिखा है, शशि थरूर, अमिताभ घोष, राजा राव या बच्चों अरविंद अडिगा, आंसर कीजिए आप लोग। यस बच्चों बताइए, हु हैज रिटन दिस, डी आंसर बताया आपने, यानी कि राजा राव। ओके, ये बच्चों अमिताभ घोष है हमारे, अमिताभ घोष, सीओ पोपीज अगर आपने देखा हो इन्हीं का लिखा है, तो ओपियम वॉर की बात यही करते हैं। तो किसका आंसर बनाएंगे आप, डी, राइट बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत अच्छा वर्क है, एक जबरदस्त वर्क है, पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है, हु हैज रिटन दिस, बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों खुशवंत सिंह का है, इट वॉज रिटन बाई खुशवंत सिंह। तो ये पार्टीशन के ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द लॉन्ग साइलेंस किसका वर्क है बच्चों, द लॉन्ग साइलेंस इज अ वर्क बाई शशि देश पांडे, एग्जैक्टली आंसर, बहुत अच्छे, सही बात बताई आपने। तो आंसर हमारा क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बी बनेगा, बहुत अच्छे। विंग्स ऑफ फायर ये तो जरूर बता दोगे बच्चों, इसको तो पक्का पता होगा आपको, ऑटोबायोग्राफी एनालिटिकल एंथोलॉजी ऑफ द पोएम या बच्चों क्या है, और ये भी बताना है किसका लिखा हुआ है विंग्स ऑफ फायर, ये बच्चों ऑटोबायोग्राफी है, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी, रिटन बाई होम एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है ये, राइट बच्चों, हाँ जी एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत अच्छे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को कौन सा इनमें नहीं है, टेम्पल, गोल्डन थ्रेसोल्ड, ब्रोकन विंग या बच्चों बर्ड ऑफ द टाइम, आंसर कीजिए सब बच्चे। तो हम इसमें देखेंगे बच्चे चारों ही उनके हैं, तो इसमें से आंसर नहीं बनता, ये थोड़ा गलत क्वेश्चन हो गया था है ना, ये चारों ही उनके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पोएम, इनमें से कौन सा बच्चों नॉट अ पोएम, नॉट पे फोकस करेंगे, कमला दास की कौन सी नहीं है, द फ्रीक, ग्रैंड मदर साउथ, तेजुरी या फिर होट नून इन मालाबार, हां जी बच्चों बताइए क्या आंसर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30 का। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, तेजुरी इज द आंसर, तेजुरी वॉज नॉट रिटन बाई कमला दास, बाकी फ्रीक्स, ग्रैंड मदर्स हाउस, होट नून नवाला, ये तीनों इनके हैं, ठीक है जी। तो तेजुरी हैजंट बीन रिटन बाई हर, ऑलराइट बच्चों।
Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments, narrow domestic walls, the above line. ये कहां से आती है? पिंजर से, गीतांजलि से, गोल्डन गेट से. बच्चों आज पहली बार आपको पता चलेगा कि क्या लिखा था हमारी गीतांजलि में. ये बच्चों लाइन्स थी जो कि इमोर्टल लाइन्स हैं. कैसी लाइन्स हैं? इमोर्टल वन. तो आंसर क्या आएगा आपका? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना बच्चों? गीतांजलि में लिखी गई थी. एग्जैक्टली, बहुत अच्छे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड बाई आर्कनैन वी कम अक्रॉस अ डांसर. हम एक डांसर को यहाँ पे देखते हैं, उसका नाम बच्चों क्या है? डेजी, भारती, रोजी या सावित्री? सब बच्चे आंसर करेंगे. वेरी गुड. 32 का सी एग्जैक्टली. अभी अभी आपने देखा था, ये रोजी थी. रोजी एक डांसर है किसमें? द गाइड में. हु वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर? तो बच्चों फर्स्ट रेसिपियंट कौन था, खुद बताइए. मल्कराज आनंद, नयनतारा सहगल, आर के नारायण या फिर राजा राव? आंसर करेंगे सब बच्चे. व्हाट शुड बी द आंसर हियर? तो बच्चों क्या आंसर हमारा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33 को सब बच्चे देखेंगे. जी सी आंसर जाएगा बच्चों, आर के नारायण. तो सी मस्ट बी द आंसर, आर के नारायण. राइट बच्चों? हाँ जी. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ऑथर्ड बाई मुल्कराज आनंद? कौन सा मुल्कराज आनंद का नहीं है बच्चों? अनटचेबल, एपोलॉजी फॉर टू लीव्स एंड अ बर्ड या बैचलर ऑफ आर्ट्स? मुल्कराज आनंद का इनमें से कौन सा वर्क नहीं है? सी नहीं बच्चों, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है, ये आर के नारायण का है. किसका है बच्चों? आर के नारायण का. जी बच्चों, तो आंसर आपका क्या बनेगा? डी. बिल्कुल सही है अनुरुद्ध, करेक्ट. बहुत अच्छे बच्चों. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय झुंपा लहरी का कौन सा नहीं है? नेमसेक, एक्सटर्नल लोलैंड या फिर समर इन कलकत्ता? बड़ा अच्छा आंसर कर सकते हैं बच्चों. ऐसी जगह पे एक ही वर्क मिल रहा है आपको, बिल्कुल अलग से मिल रहा है. 33 पर कैसे? जी तो बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है, समर इन कलकत्ता. सिर्फ सीधी सी बात है, कमला दास का लिखा हुआ है बच्चों. इट वॉज रिटन बाई कमला दास. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द बर्ली लैंडलॉर्ड इन द बार्बर्स ट्रेड यूनियन? ये बच्चों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. बार्बर्स ट्रेड का, ट्रेड में बर्ली लैंडलॉर्ड कौन है? विजय चंद, प्राणचंद, थानुचंद या सरदार सिंह? तो बच्चों इट इज विजय चंद. बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ए आंसर बनेगा. एग्जैक्टली बिना, जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको बिल्कुल फिट कर लो. ये तो दोनों में काफी डिफरेंस है. अगला क्वेश्चन बच्चों, लाइंस, आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस, आई एम फोर्स्ड बाय द फाइव सेंसेस, फियर द फाइवनेस आर टेकन, यूलिसिस, हैम इन डार्कनेस, विजिटर, लुकिंग ग्लास. बताओ बच्चों क्या बनेगा? 37 का आंसर आपका. What should be the answer of 37? तो बच्चों it has been taken by from the ham in darkness. बिल्कुल सही आंसर है आपका, B बनेगा बच्चों. बहुत अच्छे, तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? B आंसर बनेगा. ठीक है जी, ham in darkness if we see has been written by Nassim Ezekiel. ठीक है जी, इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द नैरेटर्स फादर इज मेंशन नोट एट समवन. वो कैसे नहीं? सेप्टिक, रेशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स इन ब्लेसिंग या एनालाइजिंग क्रम कर्म एक्सप्लिसिटली? हां जी बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही है, डी आंसर बनेगा. मतलब वो कर्म की बात को यहां पे नहीं लाते हैं. मतलब मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे क्या कहना है कि कर्म सामने आ रहे हैं, कितनी गलत बात कह रहे हैं, जबकि फादर ऐसा नहीं मानते, वो अपना हर तरीका अपना रहे हैं जैसे कि दर्द कम हो. अगला देखो बच्चों, द एक्सप्रेशन आई डू नॉट लव आई कैन नॉट लव, आई डू नॉट लव आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर, या फिर कहा होता है? सनसाइन कैट में, होट नोन बार में, फिलोसफी में, एंटरप्राइज में? बताइए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 39, तो बच्चों दिस पर्टिकुलर लाइन अपीयर इन, बिल्कुल सही है, द सनशाइन कैट वॉज रिटन बाई कमला दास. राइट बच्चों, तो इट वॉज रिटन बाई कमला दास.
खास सनशाइन कैट, एग्जैक्टली बच्चों बहुत अच्छे, 39 का ए बिल्कुल सही है। 40 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, उसके बाद में हम राइटर को देखेंगे। एडिटर, एज एन एडिटर निसीम इजेकल वाज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स, क्वेस्ट, इम्प्रिंट, पोएट्री इंडिया या बच्चों ओपिनियन। अगर आप बच्चों यहां पे द ओपिनियन की बात करें तो वो किसका है आपको पता है बढ़िया से बताइए। हां जी द ओपिनियन बच्चों गांधी जी का था, गांधी जी हैड रिटन दिस, नॉट निसीम इजेकल, बाकी तीनों से ये रिलेटेड थे। डन एवरीवन जी बच्चों, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने वर्क की। कल हमने एक वर्क किया था बच्चों अगर आपको याद हो, yesterday we had done this, तो बच्चों एक बार बात करते हैं। कल हमने किया था फॉकनर को, मैंने आपको चारों राइटर्स बता रखे हैं यहां पे कि कैसे हम उन राइटर्स को कर सकते हैं, है ना। आज फिर से देखेंगे, और बच्चों आज के राइटर हमारे हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट बल्कि इधर को करके लिखते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, तो खाली रॉबर्ट फ्रोस्ट की बात करेंगे बच्चों आज, और किसी की भी बात नहीं करेंगे। चारों राइटर के बाकी के बारे में आपको पता है, तो देखो कितनी आसानी से हम ट्रिक बना सकते हैं, बड़ी मस्त ट्रिक बनी है और मजेदार तरीके से हम इसको याद करेंगे। सब बच्चे देखेंगे कैसे हम इनके वर्क्स को याद कर सकते हैं, इधर आ जाएंगे और सिर्फ सुनेंगे, सब बच्चे सुन के ही याद हो जाएगा, आपको देख के भी याद हो जाएगा भाई क्या हुआ बच्चों। रॉबर्ट फ्रोस्ट, फ्रोस्ट को देखेंगे तो फ्रोस्ट क्या है, बर्फ जैसे हैं ऐसे समझ लो, फ्रोस्ट बच्चों बर्फ होता है, बर्फ टाइप के हैं ऐसे समझ लो। तो क्या हुआ कि द पास्चर था वहां पे, पास्चर बच्चों क्या होता है, चारागाह, द पास्चर था PSTURE, पास्चर में मोइंग हो रही थी, MOWING, मोइंग, मोइंग का मींस बच्चों यहां पे लगाते हैं कोई कोई जानवर म्याऊ म्याऊ कर रहा था, एक तो मोइंग हो रही थी पास्चर में, और बच्चों क्या हो रहा था वहां पे, हार्डवुड ग्रो हो रहे थे, हार्डवुड ग्रो हो रहे थे, हार्डवुड ग्रो ग्रोस, तो इसी वजह से इन्होंने कहा कि भाई हार्डवुड ग्रो हो रहे हैं, एक काम करो वॉल बना दो यहां पे, तो मेंडिंग वॉल कर दो, क्या बना दो यहां पे, मेंडिंग वॉल। जैसी मेंडिंग वॉल होने लगी बच्चों, इतने में ही जो हायर किया था मैन वॉल बनाने के लिए उसकी डेथ हो गई, तो क्या बनाएंगे, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन, डेथ ऑफ द ऑफ अ हायर्ड मैन। तो मेंडिंग वॉल करते हुए देखो फ्रोस्ट के में पढ़ रहे हैं, फ्रोस्ट बर्फ वाले में पढ़ रहे हैं, पास्चर में मोइंग हो रही थी और हार्डवुड ग्रो हो रहा था जिससे मेंडिंग वॉल करनी चाहिए, तो डेथ हाँ जी बच्चों ये वापस आ गया है, अब एवरीबडी इज गेटिंग, ऑल राइट बच्चों अभी ये वापस हो गया है, फिर से देखें आप इसको, इस ट्रिक को करके ही जाएंगे। रॉबर्ट फ्रोस्ट देखो बच्चों यहां पे रॉबर्ट फ्रोस्ट है ना, रॉबर्ट फ्रोस्ट को सब बच्चे देखेंगे जी बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि द पास्चर में, बल्कि इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, क्या हुआ बच्चों, द पास्चर में क्या हो रहा था, द पास्चर में मोइंग हो रही थी, मोइंग को देखते हुए कहा भाई मेंडिंग बोल कर दो, सॉरी, और हार्डवुड ग्रो हो रहा था, हार्डवुड बच्चों ग्रो हो रहा था, भाई सॉफ्टवुड होता तो हम रखते भी, हार्डवुड ग्रो हो रहा था तो इन्होंने कहा कि सीधे सीधे भाई मेंडिंग बोल वॉल बना दो, फिर कुछ भी ग्रो नहीं होगा, मेंडिंग वॉल। लेकिन क्या हुआ कि डेथ हो गई, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, क्या किया गया भाई, हायर्ड मैन को यहीं पे होम बरियल दे दिया गया, इसको घर में ही दफना दो, तो होम बरियल कर दिया गया। देखो फ्रोस्ट के टाइम में क्या हो रहा है, होम बरियल को करके उसका नाम दे दिया द ब्लैक कॉटेज, क्या नाम दे दिया बच्चों, द ब्लैक कॉटेज। और देखो ब्लैक कॉटेज से नाम देके क्या किया, ये तो काम कर ही दिया, अब आगे निकल लिए और किसी के सेब चुरा लिए बच्चों, आफ्टर एप्पल पिकिंग है ना, सेब चुरा लिया आफ्टर एप्पल पिकिंग, तो एप्पल को पिक करके इन्होंने क्या किया, देखा कि एप्पल वाला पकड़ लेगा,
तो द रोड वॉज नॉट टेकन, रोड से नहीं गए, द रोड सॉरी इसको कैसे लिखेंगे, द रोड वॉज नॉट टेकन, द रोड वॉज नॉट टेकन। अब ये रोड से नहीं गए बल्कि कहां घुस गए बच्चों, ब्रिचेज में, ब्रिचेज के पेड़ आपने कल देखे थे, उन ब्रिचेज के पेड़ के अंदर घुस गए बीच में। हाँ बहुत सारे वर्क नहीं लगे ऐसे याद हो जाएंगे। अब ब्रिचेज से निकल के कहां पे गए बच्चों, ब्रिचेज से निकल के ये गए द विली नीली, द विली नीली स्लाइड करते हुए पहुंचे, विली नीली स्लाइड, स्लाइड करते हुए जाके कहां पे गिरे आप समझेंगे नहीं, ये यहां से जाके गिरे बच्चों फायर एंड आइस में। इन्होंने कहा अरे यार फायर एंड आइस में आ गए, ये तो बड़ा खतरनाक है। फायर एंड आइस में क्या हो रहा था, डस्ट से, डस्ट उठ रही थी स्नो से, डस्ट ऑफ स्नो, देखो कितना खतरनाक है डस्ट ऑफ स्नो, तो स्नो से डस्ट उठ रही थी, जिस वजह से इन्होंने क्या किया कि नथिंग गोल्ड कैन स्टे, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, कि भाई यहां पे तो गोल्ड हो ही नहीं सकता। अब इतना इनका कहना ही था कि इनको रोक लिया, स्टॉप कर लिया, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, और वुड्स ने इनको स्टॉप करके, यही सबसे जबरदस्त है आपको पता है, इन्हें रोक के इसने क्या कहा, रोक के कहा कि भाई द ऑनसेट पे जाना, ऑनसेट, ऑनसेट का मीन्स एक तरह से कह लो सनसेट में जाना, अभी मत जाओ, क्यों, क्योंकि हम तुम्हें क्या दिखाएंगे वंस ऑनसेट, ऑनसेट के बाद में कि वंस इन द ट्रैफिक, वंस इन बाय द ट्रैफिक, ये बाय है, बाय द ट्रैफिक, वंस बाय द ट्रैफिक हम आपको एक्वेंट कराएंगे, ए सी क्यू यू ए आई एन टी, एक्वेंटेड विद द नाइट, विद द नाइट। ठीक है बच्चों, स्टॉपिंग बाय वुड ने कहा कि द ऑनसेट में जाना, वंस बाय द ट्रैफिक हम आपको एक्वेंट कराएंगे विद द नाइट। तभी बच्चों क्या आ गई, वेस्ट रनिंग, वेस्ट रनिंग ब्रूक आ गई, ट्रेन समझ लो इसको, वेस्ट रनिंग ब्रूक आ गई। जैसी वेस्ट रनिंग ब्रूक आई, यहां पे टू ट्रैम्प्स थे, टू ट्रैम्प्स मड में गिर गए, ट्रैम्प्स होते हैं बेवकूफ आवारा टाइप के पर्सन, टू ट्रैम्प्स कहां गिर गए, इन मड टाइम, मड में जाके गिरे बहुत बुरी तरह से। और बच्चों उन्होंने शोर मचा दिया कि भाई डिपार्टमेंटल करो, डिपार्टमेंटल करो हर चीज का, डिपार्टमेंटल बना दो, और डिपार्टमेंटल बना के हमें प्रोवाइड करो, कहने लगे प्रोवाइड करो, प्रोवाइड करो, दो दो बार बोले हैं, और क्या प्रोवाइड करो हमें, प्रिकॉशन के साथ में, हमें प्रिकॉशन के साथ में दे दो द गिफ्ट आउटराइट, द गिफ्ट आउटराइट। पकड़ में आ गई थोड़ी सी बात बच्चों। अब देखो बच्चों फिर से, पाश्चर में मोइंग हो रही थी, हार्डवुड ग्रो हो रहा था, मेंडिंग बोल के लिए कहा गया भाई मेंडिंग बोल कर दो, इतने में ही उस डेथ होगी हायर्ड मैन की, उसे होम बरियल कर दिया, उसे नाम दे दिया ब्लैक कॉटेज। और एप्पल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, एप्पल चुरा के भाग लिए, कहां पे रोड नहीं ली गई कि रोड से जाएंगे तो पकड़ लेगा, ब्रिचेज में घुस गए, आपने कल देखा था ब्रिचेज के कैसे सुंदर सुंदर पेड़ थे, है ना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऊपर से नीचे उतर के कहते हैं अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, है ना, ब्रिचेज में घुस गए, और यहां से विली नीली स्लाइड लेते हुए कहां गिरे जाके फायर एंड आइस में, वहां से डस्ट उठ रही थी डस्ट ऑफ स्नो, उन्होंने कहा कि नथिंग गोल्ड कैन स्टे हेयर, है ना, ऐसे में कहां पे स्टे करेगा, स्टॉपिंग बाय द वुड्स आ जाते हैं, वुड्स ने इनको रोक लिया कि भाई ऑनसेट पे जाना, और वंस बाय द ट्रैफिक आपको एक्वेंट कराएंगे हम नाइट के साथ में। इतने में वेस्ट रनिंग ब्रूक आ गई बच्चों, वेस्ट रनिंग यानी कि ट्रेन बहुत तेजी से, टू ट्रैम्स एकदम मड टाइम में, मड में जा गिरे, और डिपार्टमेंटल चिल्लाने लगे, डिपार्टमेंटल करो, डिपार्टमेंटल हमें प्रोवाइड, प्रोवाइड करो, प्रिकॉशन के साथ में क्या, द गिफ्ट आउटराइट। ये बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क है, करेक्ट एवरीवन जी। अच्छा हाँ साफ नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है, बट कोई बात नहीं बच्चों, ये हमारा साफ होना चाहिए वर्क, है ना। तो बच्चों आज इतना कर लेते हैं, है ना, और कल फिर मिलेंगे क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास का भी टाइम शुरू हो रहा है 8 o'clock से। तो आज इतना वर्क करते हैं, इसको बढ़िया से तैयार कर लो, कल फिर हम एक दो राइटर करेंगे इसी तरह से, मतलब ये आपके पक्के हो जाएंगे, एक बार कहानी के रूप में चले तो पक्के हो जाएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।